गुरु ले रहे हैं शिष्य की परीक्षा, वो भी बिना बताए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो गुरु मल्हार राव होलकर ले रहे हैं अहिल्या की परीक्षा। मजा आ गया ये देख के दोस्तों, मगर पता तो चल ही गया था जब गंगूपा जो है मिस हो गए थे। आपने देखा होगा कि किस तरह टुकू जी आते हैं और बताते हैं कि आज गंगूपा नहीं आएंगे दरबार में, है ना। तो वो सोचती है कि क्यों नहीं आएंगे, उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत कारण से कोई काम पड़ गया है इसलिए नहीं आएंगे। एक बार तो उसको झटका लगता है अहिल्या को कि कैसे होगा, क्योंकि उनका तो आज उपस्थित होना बहुत ही जरूरी था, मगर फिर दूसरे पल वो सोचती है कि कोई जरूरी काम होगा इसीलिए वो नहीं आए, नहीं तो वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। मगर दोस्तों जब हम देखते हैं कि गंगूपा गए कहां है तो मजा आ जाता है देख के दोस्तों। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मेरा तो माथा तभी ठनक गया था जब उन्होंने ये खबर दी थी टुकू जी ने कि नहीं होंगे गंगूपा आज दरबार में। पहले तो मुझे लगा कि ये मल्हार राव होलकर को सूचना देने जा रहे हैं कि बहुत बड़ा होने वाला है फैसला आज, पर मुझे ये नहीं अंदाजा हुआ कि मल्हार राव होलकर जो है पहले से ही बैठे हुए हैं आके वापस मेहमानों वाले कक्ष में। किसी को इस बात की कोई खबर नहीं है। और क्यों बैठे हैं? क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि अहिल्या कैसे चलाती है पूरा का पूरा शासन इन 10 दिनों में। उसी को लेके जब गंगूपा उनके पास आते हैं और उनसे बात करते हैं तो वो एक बात बड़ी क्लियर बोल देते हैं कि आसान नहीं है अहिल्या के लिए, और वो इन कामों के लिए, आसान कामों के लिए बनी ही नहीं है, वो तो मुश्किल कामों के लिए ही बनी है और ये मुश्किलें ही उसको और ज्यादा मजबूत बनाएंगी। गंगूपा बहुत सारी बातें यहां पे बोलते हैं कि लोग खुश नहीं है, कि स्त्री के राज्य में ऐसा है वैसा है, मगर मल्हार राव होलकर एक ही बात बोल के उनको चुप करवा देते हैं कि मुझे इन सब बातों के बारे में पता है और अब इस फैसले की मुझे इंतजार है कि क्या फैसला करेगी अहिल्या, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट वाला फैसला है, ऐसा उसने कभी किया ही नहीं है, है ना। तो जो उन्होंने पहले किया था जैसे कि गांव की भलाई करनी, बाकी सब करना, वो सब तो वो उसको पता है, वो कर सकती है, वो पहले भी बचपन से करती आई है, मगर ये जिसमें किसी की जान तक का हो सकता है फैसला कि इसको फांसी दे दो या क्या कर दो, तो वो फैसला अहिल्या के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। इसलिए मल्हार राव होलकर इंतजार कर रहे हैं मेहमान कक्ष में बैठ के कि क्या फैसला लेगी अहिल्या, क्योंकि यहां पे ना सिर्फ फैसला इस बात का है कि आरोपी है और उसको सजा देनी है, बल्कि इस बात का भी है कि आरोपी जो है उनकी बेटी के ससुराल से है, रिश्ता है, तो ये रिश्ते में और न्याय में किसको वो ज्यादा प्रेफरेंस देती है ये जानना मल्हार राव के लिए भी बहुत ही जरूरी है। इसलिए वो कहते हैं कि देखते हैं, है ना। तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, मुझे ये देख के और इतने दिनों बाद मल्हार राव होलकर की प्रेजेंस देख के और भी अच्छा लगा। तो आपको कितना अच्छा लगा और क्या लगा आपको कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।